thought of giving another conditioner a try. I was facing all the sunlight. और फिलहाल दीपांजन बहुत ही कंफ्यूजन में है कि मैदा कहाँ पे है, है ना? मम्मा फिर से नया नया बैठू हो गया, देखो तो खा के बनाने वाले को चूमने का मन करे। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू अ फ्रेश न्यू व्लॉग। टुडे इज 26th of June एंड टाइम इज नाउ 8:30 PM। तो शाम को स्टार्ट कर रही हूँ ये व्लॉग, तो शेयर करती है आपके साथ कि आज शाम को हमारे घर में क्या हो रहा है। और अगर आपको मेरे आईज देख के लग रहा है कि मैंने बहुत रोया है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, ये और ये जो सारे चॉपिंग एंड प्रिपरेशन है, ये है आलू पराठा बनाने की। आज पति देव खुद बना रहे हैं आलू के पराठे। मैं बोला कि मैं तुमसे इंस्ट्रक्शन दूंगा ताकि काम तुम्हें ना करना पड़े, पर तुम मुझे इंस्ट्रक्शंस दो, मैं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कैसे बनाते हैं क्या करते हैं। तो इफ शी गिव्स मी इंस्ट्रक्शंस आई विल बी एबल टू जस्ट फॉलो इट। आलू हमने सुबह ही बॉईल करके रखे थे, अभी बस मैंने ये फ्रेशली सब कुछ चॉप कर दिया। आज कोरिएंडर लीव्स भी घर पे है तो यम्मी आलू पराठा बनने जा रहा है, चटपटा सा एकदम स्टफिंग बना के। जिस जिसको आलू पराठा पसंद है वीडियो को एक लाइक अभी कर दो, अभी के अभी कर दो, अभी करो। बेबूस, ओ बेबूस, आलू पराठा। काश मैं मेरे बेबीज को भी आलू पराठा खिला पाती, बट बेबीज आर डन विद देयर डिनर। इंग्लिश टाइम में खाना खाते हैं दोनों। कियारा, नो, क्यों खेल पे ना, उसको नहीं खेलना है तुम्हारे साथ अभी। क्यों? नाउ डैडी विल स्कोल्ड यू। नो, क्यों? गो टू योर बेड। हू तो कहाँ से कुछ लाके फ्लरी के बेड के नीचे छुपा के रखे के नीचे। ए, मैं तुझे डांट रही हूँ, क्यों थोड़ा शर्म तो कर। के नीचे इटा, के नीचे, इसका मतलब फ्लरी नहीं लाई है, ये लाई है इसने। तो चला गया ड्राई रेड चिली और लहसुन गरम तेल में। मैं बिल्कुल भी आप लोगों के साथ आलू पराठा का रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझसे बेहतर आलू पराठा आप सब बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, सबके घर में बनता है, सबको पता है। मैं बस आज हमारे घर में बन रहा है तो आपके साथ ये मोमेंट शेयर कर रही हूँ। तो जब तक दीपांजन बना रहा है स्टफिंग, तब तक मैं ये बॉइल्ड आलू को मैश कर लेती हूँ। क्या दे रहे हो? ग्रीन चिलीज़। क्योंकि आलू पराठा हमें बड़ा ही चटपटा और स्पाइसी अच्छा लगता है। आलू पराठा थोड़ा अंदर का स्टफिंग जब थोड़ा स्पाइसी होता है ना, मजा आ जाता है। क्योंकि बाहर तो जो आपका पराठा या पराठे का मैदा या आटा जो भी होगा वो तो ब्लंट होता ही है, उसमें तो बस थोड़ा सा शायद अजवाइन और नमक डालूंगी, बट अंदर का स्टफिंग का ही टेस्ट। और इसके साथ कोई सब्जी तो हम खाते नहीं है, कोई भी नहीं खाता है, इसको दही या अचार के साथ खाते हैं, तो इसलिए स्टफिंग तो प्याज जा रहा है अभी। अच्छा चॉपिंग क्या है? क्या बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, प्याज और थोड़ा फाइन भी चॉप होना चाहिए था। नहीं उतना फाइन भी होगा तो मुँह में नहीं आएगा ना। ठीक है, मुझे ऐसे ही आता है। तो जब हम आलू को मैश करते हैं तो उसी में एकदम स्वाद अनुसार नमक मिला के फिर उसको रेडी कर लेते हैं, ताकि क्योंकि आलू में अगर नमक का क्वांटिटी सही ना होना तो भी वो उतना टेस्टी नहीं बनता है पराठे। तुम क्या कर सकते हो, फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके करोगे तो आलू अच्छा अच्छे से वो होगा, फ्राई होगा। पहले मैं नहीं तो पानी छोड़ थोड़ा सा मिला लूं। हाँ। उसके बाद फ्लेम हाई करता हूं। क्या चाहिए कियारा को? आलू के पराठे? हाँ? कियारा बड़ी हैरान हो जाती है डैडी को किचन में देख के कि ये कौन सा चमत्कार है। स्टफिंग तो रेडी हो गया और इतना टेस्टी बना है, इतना चटपटा कि लग रहा है पराठा बनने से पहले हाफ स्टफिंग हम खा लेंगे। जो भी इधर आ रहा है थोड़ा सा
कवर को उठा के एक एक बार चखे जा रहे हैं हम। तो अभी बनेगा डो। और जनरली आलू के पराठे आटे से बनता है, बट हम बंगाली जितने भी पराठे या लुची खाते पूरी वो मैदा से बनता है। हम क्या करेंगे, दोनों साइड रखेंगे और हाफ आटा हाफ मैदा लेंगे। और फिलहाल दीपांजन बहुत ही कंफ्यूजन में है कि मैदा कहाँ पे है, है ना? Exactly. तो आलू पराठा बनाने का काम काफी आगे बढ़ चुका है। मैंने बना लिया है थोड़ा सा रायता और इतना सा ही स्टफिंग बच गया। तुम्हारा फर्स्ट टाइम आलू पराठा बनाने का एक्सपीरियंस बता। बहुत बढ़िया है। और बनाओगे कभी? सीख क्या मैं? हाँ। बहुत कुछ सीखा ना आज, फिर से ट्राई करूंगा एक दिन। तुम्हारा वॉइस से तो लग नहीं रहा है। नहीं, मैं फिर से एक दिन ट्राई करूंगा। ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है ये, तो इसमें थोड़ा सा तो थकान होती है कि पहले गूंदो, फिर उसमें स्टफिंग डालो, उससे पहले स्टफिंग बनाओ, फिर सेको, फ्राई करो। हाँ, काम है। और अभी मैं बर्तन धो रही थी तो वो ये फ्राई वाई कर रहा है, और बाकी का काम उसी को करना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ किचन से, मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है। With the sun, the cold, and the way you are, the things you said had me going good, but it left a scar. You invite me and then you turn me down. Give my hopes up and then you're gone. आलू पराठा रेडी। और यहाँ पे रायता तो है, पर मैं ना थोड़ी सी केचप भी खाऊंगी। तो पराठे के साथ केचप बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोगों को लगता है। तुम्हें चाहिए? और जो थोड़ा सा स्टफिंग बच गया था वो हम पराठे के साइड में खा लेंगे उसको, और रख के क्या करूँगी क्या कर। थोड़ा ज़्यादा होता तो फिर भी कुछ बना सकती थी। टेस्ट करते हैं, ठीक है? पहले विदाउट सॉस विदाउट रायता टेस्ट करते हैं। अंदर एकदम भरा हुआ है स्टफिंग। चुम्मा बनाया, चुम्मा चुम्मेश्वरी, मतलब चूमने लाए, जो खाके बनाने वाले को चूमने का मन करे। तो फिनिश करते हैं, इतना यम्मी पराठे के सामने ज़्यादा देर में बैठ नहीं पाऊँगी। फ्लरी भी फुश फुश करके आ गई है। फ्लरी, तुझे क्या चाहिए? पराठा। और एक है इधर। तो कल सुबह फिर से अच्छे से मिलते हैं। कल सुबह बहुत कुछ दिखानी है आपको। इन लोगों के लिए मैंने फिर से कुछ शॉपिंग किया है, शेयर करूंगी आज रात को, और नहीं दिखाई, कल सुबह एकदम डे लाइट में दिखाऊंगी। ये बेड खाली है, इस बेड में कियारा को होना चाहिए था, बट कियारा भी इस बेड में नहीं है। ये देखिए कियारा और फ्लरी। कियारा, तुम्हें दीदीर बेड में देखा छो? यू वांट टू स्लीप विद योर सिस्टर? मामा, इज इट ओके? इज इट ओके मामा? नो, यू यू हैव योर बेड, व्हाई डू यू ऑन दिस बेड? I was facing all the sunlight while our feet swung freely from the bridge you asked if I'd save you if you were crazy enough to take a swim Hey guys, good morning, it's good afternoon actually. Kyun? Kyunki burp aaya meow karke my kyun aaye shaam ka good afternoon bolne क्योंकि यहाँ पे मम्मा पी रही है ग्लूकॉन डी। तो अभी खाना बनाना ख़त्म हुआ, दीपांजन ने भी सुबह से पूरा घर का डीप क्लीनिंग किया। हम दोनों अभी ग्लूकॉन डी के चुस्कियाँ ले रहे हैं। चुस्कियाँ, डैडी की बच्ची। ओ डैडी की बच्ची, आज डैडी फ्लरी की डैडी हो गई, क्योंकि फ्लरी वहाँ पे पहले से सोई हुई थी। अच्छा। मैं आके इधर बैठा उसके बगल में। फ्लरी को देख के लग रहा है कि फ्लरी ने कल रात को सोई नहीं है, बट ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अच्छा खासा सोई है, सुबह भी सो रहे थे, अभी भी उसके आँख ऐसे हो रहे हैं। एक्चुअली काम हम कर रहे हैं, टायर्ड वो हो रही है। बहुत लेट हो गया ये, और कुछ नया बोलने का है नहीं, लेट आजकल हर रोज़ हो रहा है। तो ग्लूकॉन डी पी के फिर मैं राइस कुकर में राइस ऑन करूँगी, करके हम दोनों जाएंगे नहाने। सुबह व्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाए इसलिए क्योंकि आज सुबह का स्टार्ट थोड़ा सा रफ था, उसके बाद सब ठीक हो गया। अभी प्रॉब्लम ये है कि सैटरडे हो या संडे कुछ पता ही नहीं चलता। वीकडेज में ऑफिस के काम, इसको ऑफिस के काम में लॉगिन करना पड़ता है, उस चक्कर में जल्दी जल्दी में हम सब करते हैं, और वीकेंड में ऐसे ही घर के काम। तो लाइफ में और कुछ रह नहीं गया ये छोड़ के, है ना? क्या जिंदगी थी, थोड़ा बाहर जाओ, मॉल में घूमो, खाना खाओ, खत्म, सब खत्म। कोरोना ने सब खत्म कर दिया है। हेलो,
बैक विद द प्रोडक्ट्स दैट आई शॉप्ड अगेन. एक्चुअली ये सब का ऑर्डर भी हमने पहले ही प्लेस किया था, बट लास्ट हॉल मैंने जब किया था तब तक ये सब डिलीवर्ड नहीं हुआ था, तो मुझे लगा आज जब 3-4 आइटम ऑलरेडी है आपके साथ शेयर कर दूँ. सो बहुत सारे सवाल अभी आते हैं कि मैंने इनके शार एसेंशियल्स में कुछ अपग्रेड किया है कि नहीं. शार एसेंशियल का एक डिटेल वीडियो है, वो उसका लिंक मैं डाल दूँगी. वो काफ़ी पहले बनाई थी, तो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि अभी भी आप सेम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो या नहीं. तो द आंसर इज़ आई स्टिल यूज़ द सेम शैम्पू फ्रॉम WAHL 4-in-1 शैम्पू एंड कंडीशनर कंसेंट्रेट. एंड द वेरियंट विच आई लाइक इज लैवेंडर एंड कैमोमाइल. सो वॉट इट डज क्लीन्स कंडीशन डिटेंगल्स एंड मॉइस्चराइजेस एंड आई लव दिस शैम्पू. तो यही एक बड़ा सा डब्बा हम हमेशा खरीदते हैं और ये हम अभी कियारा के लिए भी यूज़ करते हैं. तो कंडीशनर भी उस वीडियो में मैंने जो शेयर किया था फ्रॉम आई लव डॉग्स, वही कंडीशनर हम यूज़ कर रहे थे. अभी क्या हो रहा है, वो कंडीशनर का अवेलेबिलिटी लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. मोस्ट ऑफ द टाइम अमेजोन पे वो आउट ऑफ स्टॉक होता है या बाकी के जो साइट्स में वो पहले मिलता था अभी वो नहीं मिल रहा है. मे बी दैट्स अ इम्पोर्टेड वन, इसलिए शायद कुछ रेस्ट्रिक्शंस है अभी ड्यू टू लॉकडाउन एंड द करेंट सिचुएशन. तो जो चीज़ आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हो ना, उसके लिए इतना फाइट अच्छा नहीं लगता. सो वी थॉट ऑफ गिविंग अनादर कंडीशनर अ ट्राई. ये एक नया ब्रांड है जो हम अभी ट्राई करेंगे. सो दिस इज़ फ्रॉम पेट वेदा अल्ट्रा मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर. ये 500 ml का बॉटल है एंड वी हैव गॉट द शिया बटर एंड ग्रीन टी वन. दिस इज अ स्टार्टअप कंपनी बाय एन इंडियन कपल मैन्युफैक्चर्ड इन हरियाणा. सो 2014 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इस ब्रांड का. और दे मेक ऑल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फॉर पेट्स. दीज आर सल्फेट एंड पैराबिन फ्री, विल नॉट कॉज एनी हार्मफुल इफेक्ट जो केमिकल की वजह से होता है. दैट्स वॉट दे क्लेम. आई हैव नॉट यूज्ड इट दो. और स्मेल्स नेचुरल. तो आई डू नॉट स्मेल एनीथिंग विच इज़ वेरी आर्टिफिशियल और केमिकल एंड वेरी रिफ्रेशिंग. यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि इसका इफेक्ट कितना अच्छा है, कितना लॉन्ग लास्टिंग है इसका फ्रेग्रेंस. वो सब तो यूज़ करने के बाद आप लोगों के साथ फिर से शेयर करूँगी. ये काफ़ी रीजनेबल भी है. वो कितना आता था उसका प्राइस, कुछ 1300. कितना क्वान्टिटी, 500 ml. तो आई लव डॉग्स की जो 500 ml का हम लेते थे वो आता था 1300. ये है ओनली 425. बहुत अच्छा रिव्यू है अमेजोन में, आपको अमेजोन में ही मिल जाएगा. मैं लिंक फिर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. वी थॉट ऑफ गिविंग दिस अ ट्राई सिंस द फैक्ट दैट अ इंडियन कपल एंड दे आर ऑल्सो पेट पेरेंट्स, दे स्टार्टेड दिस ब्रांड. तो हमें लगा कि अच्छा ही होगा प्रोडक्ट. तो ये चीज़ अच्छा लगा, ट्रस्टवर्दी लगा, इसलिए हम इसको ट्राई करेंगे. पेटवेदा आयुर्वेदा फॉर पेट्स, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में. सो नेक्स्ट मैंने जो चीज़ लिया, ये मैंने फ्लरी और कियारा के बेड के साथ ही ऑर्डर किया था. बट मैंने दो क्वांटिटी में ऑर्डर किया था, आया था एक, तो मुझे वेट करना पड़ा और एक आने के लिए. फ्लरी और कियारा का जो अभी बेड है मैं एक बार दिखा दूँ, ये जिसमें फ़िलहाल मेरी फ्लरी बेबी सो रही है. तो यहाँ का जो कुशन है ये बहुत ही लाइट कलर का है. तो इस बेड को हम मशीन वॉश भी कर सकते हैं, वैक्यूम से भी ड्राई क्लीन कर सकते हैं. बट आप जितना ज़्यादा कोई भी चीज़ को वॉश करते हो वो ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाता है. तो इसलिए मुझे लगा कि मैं कुछ बेडशीट ले लूँ. बेडशीट को कभी भी आप धो सकते हो और ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो धोते धोते ख़राब भी हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है. बट एटलीस्ट दे विल गेट अ क्लीन एंड नीट एंड क्लीन प्लेस टू स्लीप और टू लाइक. सिंगल बेड बेडशीट से, जो किड्स बेडशीट आता है वही सेक्शन से मैंने ऑर्डर किया है और काफ़ी क्यूट दिखता है. मैं अभी इसको इन दोनों के बेड में भी सेट करूंगी तो आपको अच्छे से दिखाऊंगी तब. इसके साथ एक एक सिंगल पिलो कवर भी आया है जिसका मेरा अभी कोई यूज़ नहीं है, तो पिलो कवर्स मैं रख दूंगी, बाद में देखूंगी इससे अगर कुछ बना सकती हूँ तो. ये है पूरा बेडशीट स्टैंडर्ड सिंगल साइज का और काफ़ी क्यूट है. मटेरियल भी बहुत सॉफ्ट है. मैंने एक्चुअली 299 में इतना अच्छा क्वालिटी और इतना ब्राइट कलर एक्सपेक्ट नहीं किया था. और इसको हमने धो लिया है एकदम अच्छे से, जैसे कपड़े धोते हैं. हाँ, वही मैं बोलने जा रहा था कि हाँ, इसको एक बार वॉश करने के बाद भी इसका कलर और वो काफ़ी इंटैक्ट ही लग रहा है मुझे और बहुत सॉफ्ट है. जब हमने इसको टच किया ना, ये बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा है. बहुत अच्छा मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा. तो इसको हमने मशीन वॉश नहीं किया है, बट नॉर्मल गर्म पानी में सर्व के साथ इसको वॉश करके सुखा के कलर बिल्कुल भी नहीं गया है. सो 299 में आई गेस इट्स अ ग्रेट डील.
तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट टुक इट ओवर हैज कम टू सी व्हाट इज हैपनिंग. ये जंगली बच्चा वो खोद खोद के इसको वो कर देती है. देखो भाई कितना प्रिटी लग रहा है. क्यों ये देख ये लव क्यू बेड एक्चुअली बहुत प्रिटी लग रहा है. आप लोग बताना कैसा लग रहा है. मम्मा फिर से नया नया बेडू हो गया. देखो फिर से नया बोले बावले. हेलो एवरीवन फ्लरी सेज हेलो. फ्लरी इज नॉट सेइंग हेलो बट शी वांट्स टू एंश्योर दैट आवर बेड इज फाइन. गो मम्मा सी मम्मा जा मेडिटेशन. अभी फ्लरी का देखना पूरा उसका तहकीकात करेगी. मेरी शार्लक होम्स है ना. बेटा मालो शाबाश शाबाश क्या हैप्पी मामा. अच्छा फ्लरी का कुशन कहाँ पे. फ्लरी का कुशन अच्छा उधर है ये लो. एक्चुअली हमारे पास कुशन कवर भी है वो ह्यूमन पिलोस के कुशन कवर बहुत बड़ा है. पिलोस के नहीं है पर उसको काट के बना सकते हैं. बट इट लुक्स नाइस. इट्स ओके. हां कुशन इज इजी टू वॉश. एक्चुअली फ्लरी को बहुत पसंद है. फ्लरी को एक्चुअली बहुत पसंद है कि उसके उसका एक्चुअली चादर के ऊपर सोना बहुत पसंद होता है क्योंकि हम जो चादर ओढ़ के सोते हैं वो उसके नीचे कभी नहीं घुसती है उसके ऊपर रखे सो जाती है. आई थिंक वो ये उसको पसंद नहीं आएगा. And Flurry also likes neat and tidy places. तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से बेड का लिंक लिया था और आपने बोला भी है कि आपने खरीदा है. तो क्योंकि इसका कुशन का कलर बहुत ही लाइट है तो मैं सजेस्ट करूँगी अपने पसंद के कोई भी कलर के एक ऐसा बेडशीट लेके रख दो तो बेड ज़्यादा दिन चलेगा. क्योंकि इसके जो बाहर का पोर्शन है ट्रस्ट मी वो गंदा नहीं होता है. उसमें गंदा मतलब क्या बाल नहीं चिपकता है. मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ. आपको एक भी बाल नहीं मिलेगा इसमें. ये चिपकता ही नहीं है. तो कुशन को ऐसे सिक्योर कर लेंगे तो बेड ज्यादा दिन चलेगा. ये क्या हो रहा है. हाँ कि लुक एट कियारा उसका सेम बेड है. सब कुछ सेम है बट वहां पे नहीं चढ़ेगी. आशो क्यों आशो क्या क्या काम 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 ये छीप आई हाँ छो ओटो पहले देख रही है. अरे ये वही वाला बेड है क्या. क्या हुआ मेरे सारे छुपे हुए बिस्किट कहाँ पे गए. अब क्या करूंगी मैं. क्या हुआ क्या हुआ. की चाय. अच्छा उसके सारे खिलौने यहाँ पे. वीकेंड एक टाइम है जब हम दोनों को टाइम मिलता है दोनों के साथ अच्छे से खेलने का. और अभी हम तो बाहर नहीं जा रहे हैं तो बालकनी में शाम के टाइम दोनों को लेके बैठे हैं कि थोड़ा सा खेले इनका भी थोड़ा एक्सरसाइज हो जाए और मज़ा भी आए दोनों को. थोड़ा टायर्ड भी हो जाएंगे दोनों. अच्छा लगा क्यों. अच्छा लगा. इतना भागी है. इतनी सी तो है जान. बाहर लेके जाओ तो दो मिनट नहीं बैठती है. मतलब हम थक गए वो नहीं थकी. गुड ना. तो हम ट्रीट्स भी लेके गए थे साथ में तो जितना खेलो उतना ट्रीट्स मिलेगा. फिर अभी आके दोनों ने अच्छे से पानी पिया. अच्छा था.
मैं यही दीपांजन को बोलती हूँ कि अच्छा टाइम बीता कि नहीं, बोलो बच्चे को भी अच्छा लगता है थोड़ा सा हमारे साथ टाइम मिलता है। हमारा दोस्त है ना दीगू, वो बोलता है बढ़िया है यार। दीगू को हम बहुत मिस करते हैं, गुवाहाटी में बैठा है वो। ओके मिलती हूँ कुछ ही देर में। बहुत देर के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। एक्चुअली इट्स 10:20 राइट नाउ। आई वॉज एडिटिंग दिस वीडियो, दिस वन, द वन यू आर गोइंग टू वॉच टुमारो। तो वही मैं आज शूटिंग भी कर रही थी, साथ साथ एडिटिंग भी कर रही थी। अभी ये बस लास्ट का पार्ट शूट करके ऐड करूँगी और फिर ये हो जाएगा डन। जब मैं यहाँ पे हूँ तो ऑफकोर्स क्योंकि अभी यहाँ पे है, क्या रहा यहाँ पे है, और जाके देखते हैं फ्लरी और फ्लरी के डैडी क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से दोनों का आवाज़ नहीं आ रहा है। दूसरे दिन तो जब मैं एडिटिंग करती हूँ फिर भी एक दो बार आते हैं, देखते आज क्या कर रहे हैं। अच्छा तो दीपांजन बिजी था ये देखने में। दिस इज़ द सीरीज़ ही वॉचेस, द सेकेंड सीजन OA। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं देखती हूँ। फ्लरी, निनी, निनी हो रहा है या बदमाशी हो रहा है? आज तुम एक भी बार मुझे हेलो बोलने नहीं आए। हाँ इतना अच्छा लग रहा था, कुछ ढूंढ रहा था। पहले तो मैं बार्सिलोना का मैच देखने की कोशिश किया, फिर थोड़ा न्यूज सुना, फिर मम्मी को कॉल किया, ये सब करते करते फिर मैंने देखा ठीक है चलो वही देखते हैं, फिर इसका टाइम आ गया। तो अभी बन रहा है गर्मा गर्म रोटी, और आज एक बहुत स्पेशल चिकन बनाई हूँ, बिल्कुल ही एक हटके रेसिपी बनाया है। और यहाँ से आपको दिख रहा है, ये दीपांजन ने थोड़ा सा उठा के टेस्ट किया, ये वो हमेशा करता है। अगर दीपांजन ये ना करे तो मेरा कोई भी खाना बनाना ना सक्सेसफुल नहीं होता है, लगता है वो फिनिशिंग नहीं हुआ है अगर वो थोड़ा सा वहाँ से उठा के चख ना ले। तो ये चिकन का रेसिपी आज हम रोटी के साथ खाएंगे। अगर बहुत अच्छा लगा तो आपके साथ कभी एक दिन शेयर करूँगी। एकदम ही ट्रेडिशनल चिकन करी नहीं है, बिल्कुल ही अलग मसाले अलग स्पाइसेस डाल के बनाया गया है, फ्राइड अनियन से बनाया गया है, तो शेयर करूँगी कभी। और इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप दैट यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग दिस वन। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, बहुत सारा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। और साथ साथ हमारा बंगाली चैनल, बंगाली यूट्यूब चैनल ब्लॉग कोरी भालोवेशे, VKB ब्लॉग कोरी भालोवेशे, ऑल द बंगाली व्यूअर्स आल्सो वॉच दैट, क्योंकि वहाँ पे हम पूरा अलग ब्लॉग डालते हैं। वहाँ पे आपको बिल्कुल ही हमारे लाइफ के हर एक मोमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को हमें देखना अच्छा लगता है, बंगाली व्यूअर्स को और ज़्यादा देखना चाहते हो तो बंगाली चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। और बंगाली चैनल का नाम है ब्लॉग कोरी भालोवेशे, मैं स्क्रीन पर भी डाल रही हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दैट चैनल एंड दिस चैनल टू इफ यू आर वॉचिंग अस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। Take care guys, stay happy, stay safe, bye-bye. Bye.